दिल्ली में बीजेपी की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ एलजेपी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए में बने रहने पर एलजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर सीटों को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आवास पर लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि पार्टी हित सर्वोपरि है और पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा। अगर उनकी पार्टी को दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो एलजेपी की जो डिमांड है, दरअसल 2015 में एनडीए में एलजेपी को 42 सीटें मिली थी और एलजेपी इस बार भी उतनी सीटें या कहीं उससे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। बीजेपी ने 27 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया है, 2 एमएलसी का ऑफर दिया है और 1 राज्यसभा के भी सीट के लिए ऑफर किया है, लेकिन एलजेपी फिलहाल उस पर हामी नहीं भर रही। हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी का है और आखिर में व्यक्तिगत है। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं, इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें तो वो संभव नहीं।